हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेब फिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लारावेल में MongoDB का कनेक्शन करके उसमें क्रूड कैसे होता है, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए, और दोस्तों चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एग्जाम जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है laravel.com की वेबसाइट से लारावेल फ्रेश क्लोन, दोस्तों यहाँ से मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंटेशंस और यहाँ पे जो कमांड है वो लेके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही मैं टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, और इसके ऊपर ही मैं पूरा जो क्लोन है वो यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी जो क्लोन जो है यहाँ पे हो रहा है। क्लोन हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको एक जो है अपना MongoDB का Studio 3T, MongoDB हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है, तो MongoDB के अंदर हम पहले क्रूड करेंगे, पहले कनेक्शन बनाएंगे फिर उसका क्रूड करेंगे। तो सारा दोस्तों यहाँ पे जो वन बाय वन है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखिए, स्किप दिस वर्जन में करता हूँ और कनेक्ट किया। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा MongoDB जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना है, तो वो डेटाबेस दोस्तों यहाँ पे मैं बना देता हूँ अभी। न्यू डेटाबेस, एड डेटाबेस, ठीक है, लारावेल या वेब एप फिक्स में कर देता हूँ सिंपली। तो ये मेरा डेटाबेस हो गया दोस्तों यहाँ पे। ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है MongoDB कैसे आपको सिस्टम में डालना है वो भी मैं बता देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखिए, ये वाला जो लिंक है वो आपको यहाँ पे सिंपली ओपन करना है, और ये जो पैकेज है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे क्लोन हो चुका है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप फोल्डर के अंदर जाना है सिंपली, और ये जो कमांड है वो चला देना है आपको यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो है MongoDB का वर्जन जो है दोस्तों, शायद मुझे लग रहा है कि उसका कम करना पड़ेगा। तो ये जो वर्जन है दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद ये वाला जो है वो चलेगा, तो वो मैं यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा जो MongoDB है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका कंपेटेबल वर्जन जो है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। तो वो आपको अपने सिस्टम के अंदर डालना है, प्रोजेक्ट के अंदर डालना है। ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कन्फिग फोल्डर के अंदर आपको सेटअप करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अपना प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पर सबलाइन में पहले ओपन कर देता हूँ। सबलाइम मेरा प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप पे, एग्जाम्पल ऐप वो यहाँ पर ओपन हुआ। कन्फिग के अंदर ऐप डॉट पी एच पी फाइल के अंदर मुझे यहाँ जो है दोस्तों ये चीज़ मुझे रख देनी है, अपना MongoDB का। ये हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली जब भी आप मॉड्यूल जो है दोस्तों यहाँ पे करते हैं, पहले सारे माइग्रेशंस के अंदर ये आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। माइग्रेशंस जो है दोस्तों यहाँ पे सारे माइग्रेशंस के अंदर आपको यहाँ पे जो है रखना से सिंपली, ठीक है। ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लास के अंदर आपको जो है यूज़ माइग्रेशन, डेटाबेस माइग्रेशन आपको करना है, क्योंकि सारे माइग्रेशन अगर आप MongoDB में माइग्रेट करते हो तो ये जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको सेटअप करना है, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर डेटाबेस डॉट पी एच पी, यहाँ पे लास्ट में जो है दोस्तों देखिए कुछ ऐसे MongoDB का सेटअप जो है दोस्तों आपको यहाँ पे करना है। MongoDB दोस्तों यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ ई एन वी फाइल के अंदर। देखिए, यहाँ पे जो है MongoDB ये होस्ट सही है, पोर्ट इसका दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। डेटाबेस दोस्तों यहाँ पे जो है वेब एप फिक्स, और यूज़र नेम पासवर्ड दोस्तों मेरा सिस्टम लोकल में अभी यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखे हुए हैं यूज़र नेम और पासवर्ड,
तो यहाँ पे कोई यूज़र नेम और पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक बार जो है माइग्रेट कर देता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट। देखिए तो यहाँ पे मेरा माइग्रेशन जो है दोस्तों रन हो चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपको एक चीज़ जो है यहाँ पे कुछ ऐसे सेटअप करनी है। देखिए यहाँ पे अभी हम यूज़र मॉडल के साथ पूरा जो है इंटीग्रेशन करेंगे, क्रिएट करेंगे, रीड करेंगे, फिर अपडेट और डिलीट यूज़र मॉडल के साथ। तो यूज़र मॉडल के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कुछ ऐसे जो है यूज़ कर देना है सिंपली, क्योंकि आपका लास्ट में जहाँ पे मॉडल आएगा वहाँ पे आपको कुछ ऐसा सेटअप जो है वो कर देना है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी ऑथ यूज़र आपको यूज़ करना है तो कुछ ऐसे कह रहा है कि यूज़र ऑथेंटिकेबल, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हैं कुछ ऐसे। यूज़र मॉडल हमने यहाँ पे यूज़ किया है तो ऑथेंटिकेबल जो है यहाँ पे इसको अभी कमेंट कर देना है। देखिए जेसर मंगोडी भी ऑथ यूज़र, ये दोस्तों ऑथेंटिकेशन के लिए है। और अगर आप मॉडल यूज़ कर रहे हैं सिंपली कोई भी और मॉडल ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको जहाँ पे मॉडल कीवर्ड लास्ट में मिलता है तो ये लाइन जो है आपको यहाँ पे रख देनी है। ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली जो है मैं कंट्रोलर बना देता हूँ, PHP आर्टिजन मैक कॉलन कंट्रोलर क्रूड कंट्रोलर, और यहाँ पे दोस्तों हाइफन आर करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली अपना कंट्रोलर जो है दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं क्रूड कंट्रोलर, इसके अंदर सारे मेथड राउट्स के अंदर दोस्तों मुझे यहाँ पे जो है राउट्स कॉलन कॉलन रिसोर्स, और यहाँ पे दोस्तों जो है यूज़र्स करके मैं एक जो राउट बनाता हूँ, और यहाँ पे अपना क्रूड कंट्रोलर का जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे आपको कॉल करना पड़ेगा, साथ में नेम स्पेस भी देना पड़ेगा। तो ये नेम स्पेस ठीक है, ये हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कॉलन कॉलन क्लास, ये हुआ सिंपली। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको राउट दिखा देता हूँ, PHP आर्टिजन सर्व, तो सारे राउट जो है दोस्तों यहाँ पे बन चुके हैं। PHP आर्टिजन राउट कॉलन लिस्ट, ये उसका कमांड है, तो आपको यहाँ पे सारे राउट जो है दोस्तों मिलेंगे। देखिए सारे राउट दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, इंडेक्स स्टोर क्रिएट शो अपडेट डिलीट डिस्ट्रॉय और एडिट, ठीक है। तो ये हुआ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं फाइल जो है वो क्रिएट करता हूँ फोल्डर के अंदर, यूज़र मेरा फोल्डर, उसके अंदर क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट PHP एडिट डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में जो है इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये हो गया क्रिएट के लिए, सबसे पहले कोड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बूटस्ट्रैप जो है वो मैं ले लेता हूँ, और यहाँ से दोस्तों बूटस्ट्रैप जो है उसका पूरा मॉड्यूल मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सिंपली और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जितना मुझे ज़रूरत है वो यहाँ पे मैं रखता हूँ सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों जो है DAV क्लास कंटेनर, ये हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और DAV क्लास कार्ड करके, उसके अंदर DAV क्लास कार्ड हेडर, उसके अंदर बॉडी, और इसके अंदर फुटर, ठीक है। फुटर का कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। हेडर के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्रिएट यूज़र, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं फॉर्म बनाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों फॉर्म के लिए @CSRF टोकन देना पड़ेगा। एक्शंस के अंदर राउट जो हमने बनाए हैं वो यहाँ पे देना पड़ेगा, तो राउट, और दोस्तों यहाँ पे हमने राउट कॉलन लिस्ट किए थे तो उसके अंदर यूज़र कॉलन स्टोर ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। मेथड दोस्तों यहाँ पे पोस्ट मेथड, सही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेबल, लेबल के अंदर नेम
और इनपुट जो है टेक्स्ट, यहाँ पे दोस्तों यूजर टेबल जो है हमने माइग्रेट किया था, तो यूजर माइग्रेशन के हिसाब से हम जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे अभी ले रहे हैं। देखिए कुछ पहला नेम है तो नेम यहाँ पे देंगे, ठीक है, ये हुआ नेम। और दूसरा जो है दोस्तों ईमेल, और यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो है ईमेल, और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेवी ले लेता हूँ, फॉर्म ग्रुप कर देता हूँ, क्लास फॉर्म ग्रुप। और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों एक और डीएवी फॉर्म ग्रुप, और इसको मैं ओवर करता हूँ, और इसके अंदर बटन क्लास इक्वल टू btn सक्सेस, और यहाँ पे दोस्तों सेव, ऐसा कुछ जो है दोस्तों यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। और प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे PHP आर्टिजन सर्व के कमांड से मैं रन करता हूँ। और दोस्तों ये जो है यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट स्लैश यूज़र स्लैश क्रिएट, ये उसका राउट था। देखिए यहाँ पे हमने ये कर दिया, और यहाँ पे जो मेथड है क्रिएट वाली, इसके अंदर हमको भी कॉल करना पड़ेगा। तो रिटर्न व्यू यूजर डॉट क्रिएट, एक बार वापस लोड करता हूँ। देखिए कुछ ऐसे जो है फॉर्म यहाँ पे आ चुका है, और ये जो मैंने फॉर्म बनाया है MT5 कर देता हूँ मैं, थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको सेव करना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर वैलिडेशन लगाता हूँ। सबसे पहले PHP आर्टिजन मैक कॉलन रिक्वेस्ट, और यहाँ पर दोस्तों जो है स्टोर रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, यूज़र रिक्वेस्ट PHP आर्टिजन सर्व, यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा आपको। और वैलिडेशन जो है दोस्तों यहाँ पे पहले नेम रिक्वायर्ड, ठीक है, फिर यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल होना चाहिए, और यूनिक ईमेल, यहाँ पे टेबल का नेम जो है यूजर्स, ये हो गया। और पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे रिक्वायर्ड मिनिमम 6 कैरेक्टर, कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप करते। वैलिडेशन दोस्तों यहाँ पे हुआ, उसके बाद जो है वैलिडेशन यहाँ पे प्रिंट करना है, एट द रेट एरर उसके अंदर नेम पी टैग, उसके अंदर क्लास करता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट डेंजर, उसके अंदर मैसेज नाम का वेरिएबल, और यहाँ पे दोस्तों लास्ट में एंड एरर। तो ये हुआ, यहाँ पे दोस्तों ईमेल के लिए तो फिर ईमेल आएगा, और यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड के लिए पासवर्ड आएगा। तो ये हुआ दोस्तों। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्रिएट पे जो भी आप यहाँ पे अपना स्टोर मेथड जो चला रहे हैं उसके अंदर जब भी आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं ये जो रिक्वेस्ट हमने बनाई है क्रूड कंट्रोल के अंदर कॉल करनी पड़ेगी, और यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट, देखिए यूज़र रिक्वेस्ट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया सिंपली, और यूज़र रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, इनपुट इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों वैलिडेटेड करके मैं ले रहा हूँ। और सिंपली दोस्तों यहाँ पे यूज़र मॉडल कॉलन कॉलन क्रिएट, यूज़ ऐप मॉडल्स के अंदर मेरा यूज़र मॉडल, ये हुआ।
सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं इनपुट के अंदर रख रहा हूँ, और पासवर्ड के लिए दोस्तों यहाँ पे इनपुट, इनपुट और यहाँ पे दोस्तों जो है बिक्रिप का कमांड, तो ये कमांड मैंने यहाँ पे रख दिया। और रिटर्न रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों राउट जो है विथ सक्सेस यूजर स्टोर सक्सेसफुल्ली ठीक है, ये हुआ सिंपली। और ये जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली रखना है ऊपर एक और एक पी टैग क्लास और टेक्स्ट टेक्स्ट या अदरवाइज कुछ अलर्ट अलर्ट सक्सेस, तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज यहाँ पे आया। और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है इफ कंडीशन सेशन और यहाँ पे दोस्तों सक्सेस, उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे एट द रेट एंड इफ और यहाँ पे दोस्तों सेशन और इसके अंदर सक्सेस कीवर्ड, ये रन हो गया दोस्तों यहाँ पे। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है डेटा डाल के देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड है मैं फिलअप करता हूँ और सबमिट करता हूँ दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ ऐसा जो है उसका एरर वगैरह मिला है, हमारा यूजर्स यूनिक रिक्वायर्ड सब कुछ सही है, मिनिमम जो भी हमने देना था यहाँ पे दे दिया है, यूजर क्रिएट शायद यहाँ पे मुझे लग रहा है रिक्वेस्ट अगर मैं ऑल करता हूँ दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे नेम ईमेल पासवर्ड जैसा कुछ यहाँ पे मिलता है। मेरा पासवर्ड आया और दोस्तों यहाँ पे जो है सिंपली अपना यूज़र कॉलन कॉलन मेरा जो मॉडल है वो मैंने यहाँ पे कॉल किया। और एक बार वापस ट्राई करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो है सेव हो चुका है शायद, एक बार देख लेते हैं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने डिबग किया तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे इश्यू दोस्तों यहाँ पे है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमने माइग्रेट किए थे टेबल वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले कलेक्शंस रिफ्रेश करता हूँ मैं सबसे पहले इसको, देखिए यूज़र टेबल और इसके अंदर दो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे ऐड किए तो वो यहाँ पे आए हैं। एक बार दोस्तों वापस यहाँ पर रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और देखते हैं, देखिए यूज़र स्टोर सक्सेसफुल्ली, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तीसरा यूज़र और यहाँ पे दोस्तों एक बार और दो यूज़र डाल देता हूँ। देखिए दो बार मैंने सेव किए तो यहाँ पे दोस्तों जो है पांच यूज़र यहाँ पे आए हैं। ये हुआ अगर दोस्तों यहाँ पे मैं ब्लैंक जो है वो फायर करता हूँ, देखिए वैलिडेशंस भी यहाँ पे दोस्तों जो है प्रिंट होके आए हैं, तो वो भी यहाँ पे अपना प्रॉपरली जो दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे हैं। टेक्स्ट डेंजर दोस्तों मेरा स्पेलिंग जो यहाँ पे गलत है, वापस एक बार ट्राई करते हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे हमारा वैलिडेशन भी यहाँ पे प्रॉपरली काम कर रहा है, तो ये हुआ दोस्तों। अभी इसको हम लिस्टिंग में इंडेक्स कर देते हैं, पूरा इंडेक्स कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपली मैं कॉपी करता हूँ और बीच में से जो ये वाला सेक्शन है उसको मैं हटा देता हूँ कार्ड वाला,
और इसके अंदर टेबल जो है दोस्तों वो मैं यहाँ पे सेटअप करता हूँ सिंपली। टेबल के लिए दोस्तों यहाँ पे बूस्टअप के अंदर टेबल, और दोस्तों अपना जो टेबल आपको जो यूज करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो टेबल है वो यहाँ पे रखता हूँ सिंपली, और इसको मैं जो है दोस्तों यहाँ पे पहला दोस्तों यहाँ पे जो है नेम, दूसरा ईमेल, और तीसरा दोस्तों यहाँ पे आईडी करके भी आप कुछ दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जो है एक्शन ये हुआ। क्रोड के अंदर दोस्तों यहाँ पे सिंपली डॉलर यूज़र या डॉलर डेटा करके यूज़र कॉलन कॉलन ऑल रिटर्न व्यू यूज़र डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे दोस्तों कॉम्पैक्ट करके अपना वेरिएबल जो है वो आपको यहाँ पे पास करना है डेटा। वो मैंने यहाँ पे कर दिया डेटा वेरिएबल, वो आपको सिंपली जो है यहाँ पे अपना लूप जो है वो घुमाना पड़ेगा, फॉरिच लूप, उसके अंदर डेटा वेरिएबल एज डॉलर की, और यहाँ पे दोस्तों वैल्यू एंड फॉर इच, ठीक है ये हुआ। यहाँ पे दोस्तों जो है वो आपको प्लस प्लस कीज करना पड़ेगा, की कर दिया हमने। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डॉलर वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, फिर ईमेल, फिर जो है दोस्तों यहाँ पे नेम, और यहाँ पे दोस्तों जो है तीसरा अपना एडिट और डिलीट का जो बटन है दोस्तों वो यहाँ पे देंगे। देखिए कुछ ऐसे जो है यहाँ पे दोस्तों हमने बनाया है, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे है दोस्तों यहाँ पे प्रिंट हुआ है। क्रिएट यूज़र जो है लिस्ट यूज़र, ठीक है तो ये हो गया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों जो है एक्शंस के अंदर मैं यहाँ पे दो जो है एंकर टैग लेता हूँ सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों जो है एडिट का बटन और डिलीट, क्लास BTN डेंजर, और यहाँ पे दोस्तों जो है प्राइमरी कुछ ऐसे यहाँ पे रखता हूँ, राउट, और यहाँ पे दोस्तों यूजर डॉट एडिट, ठीक है ये हुआ। एडिट के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है आपको डॉलर वेल और अंडरस्कोर आईडी की कॉलम, और यहाँ पे दोस्तों डिलीट के लिए मैं यहाँ पे सो राउट जो है वो यूज करूँगा, क्योंकि डायरेक्टली मुझे डिलीट कर देना है। अगर मैं डिलीट मेथड यूज़ करता हूँ तो ये मुझे फॉर्म वगैरह सब कुछ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोस्तों डिलीट, यहाँ पे दोस्तों वैल्यू वेरिएबल जो है वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। एडिट डिलीट यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों, ये हो गया। अभी दोस्तों यहाँ पे डिलीट का जो मेथड है वो यहाँ पे बना देते हैं। सो हमने मेथड यहाँ पे डिफाइन किया था, तो यहाँ पे दोस्तों सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ और डिलीट या डिस्ट्रॉय वेयर करता हूँ मैं सिंपली, और यहाँ पे दोस्तों जो है अंडरस्कोर आईडी ऐसा भी लगा सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय जो है दोस्तों यहाँ पे एक बार देख लेते हैं डिलीट होता है कि नहीं। ठीक है सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं लोड करता हूँ वापस और डिलीट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट हो चुका है दोस्तों, डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों MongoDB में जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे डिलीट हो रहा है, तो ये MongoDB डेटाबेस, उसके अंदर क्रिएट और डिलीट, और दोस्तों लास्ट में यहाँ पे एडिट बचा है तो इसको हम भी एडिट कर देंगे यहाँ से। रिटर्न व्यू दोस्तों यहाँ पे जो है
यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ पहले, और यहाँ पे दोस्तों अपना वेरिएबल डॉलर डेटा कॉम्पैक्ट ये हुआ, और यहाँ पे जो है दोस्तों यूज़र डॉट एडिट ये वाली फाइल, इसके अंदर सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो हमने क्रिएट वाली फाइल है वो सेम फाइल मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मुझे सिर्फ दो चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है, एडिट या अपडेट, और यहाँ पे दोस्तों जो है डॉलर डेटा के बाद मुझे यहाँ पे आईडी की जो है दोस्तों वो यहाँ पे देनी है सिंपली, वो मैंने यहाँ पे दे दी, फाइंड किया और एडिट वाली फाइल वैल्यू के अंदर दोस्तों यहाँ पे नेम यहाँ पे दोस्तों जो है अपना ईमेल और दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड उसको ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अपडेट का जो वर्ड है वो एडिट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड जो है दोस्तों कुछ ऐसे आए हैं, वैलिडेशन कुछ ऐसे रहेगा। वैलिडेशन के लिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मेथड है वो हमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एट द रेट मेथड, और यहाँ पे दोस्तों पैच मेथड जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, पैच मेथड इफ कंडीशन यूनिक रूल वो आपको यहाँ पे सिर्फ चेंज करना है, यूनिक के लिए दोस्तों यहाँ पे यूजर ये सही है, यहाँ पे दोस्तों ईमेल और डॉट करके डॉलर 30 और अपना यूज़र वेरिएबल जो आएगा ऊपर आपका आईडी में दोस्तों ऐसा कुछ पास होगा तो वो आपको यहाँ पे देना है सिंपली। यूनिक रूल ठीक है ये हुआ, और एक बार दोस्तों यहाँ पे जो है सिंपली दोस्तों इसको मैं एक बार अपडेट करके देखता हूँ। अपडेट में गया दोस्तों, यहाँ पे अपडेट में आ चुका है मेथड्स के अंदर, यहाँ पे यूज़र रिक्वेस्ट अपना वेरिएबल, यहाँ पे आपको जो अपनी फाइल है वो यहाँ पे आपको कॉल करनी है वैलिडेशंस वाली, और सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो हमने दिया था वो चीज़ सिर्फ हमको यहाँ पे देनी है, और यहाँ पे दोस्तों अपडेट कीवर्ड वेयर आईडी करके जो भी अपना आईडी है वो आपको यहाँ पे देना है, अंडरस्कोर आईडी आएगा दोस्तों क्योंकि कॉलम का जो है यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे दोस्तों अपना अपडेट जो है दोस्तों प्रॉपरली हो चुका है। देखिए यहाँ पे ईमेल हैज ऑलरेडी बी टेकन का एरर यहाँ पे आया है, और दोस्तों यहाँ पे जो है ईमेल का जो इश्यू है दोस्तों कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मिला है $30। एक बार दोस्तों यहाँ पे लोड करके देखते हैं वापस, आईडी तो आता है दोस्तों यहाँ पे, और शायद मुझे लग रहा है ईमेल ये भी सही है, और शायद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट किया है मैंने ईमेल यूनिक वैलिडेशन, यहाँ पे दोस्तों वैलिडेशन जो है कुछ ऐसे जो है आपको यहाँ पे देना रहता है। देखिए कुछ ऐसे जो है कोई भी कॉलम के साथ अगर आपको करना है तो ऐसे कुछ यहाँ पे जो है दोस्तों देना रहता है आपका, यहाँ पे कॉलम
शायद यही पूरा जो है वो मैं उठा लेता हूँ यूनिक के लिए दोस्तों। कुछ ऐसा जो है यहाँ पे अपना आईडी, और दोस्तों यहाँ पे जो है डॉट करके वापस कॉन्टेक्ट किया, और ऐसा कुछ दोस्तों यहाँ पे ये काम करेगा। यूज़र यहाँ पे वापस यूज़र करना पड़ेगा, और यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी नाम का कॉलम। एक बार दोस्तों ये भी देख लेते हैं, वेरिडेशंस का जो सिंटेक्स एरर है यहाँ पे आया है। ओके पासवर्ड फील्ड दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी जो है यूनिक का एरर दोस्तों यहाँ पे चला गया है, देखिए। तो अगर दोस्तों यहाँ पे यूनिक का जो एरर है वो भी यहाँ पे चला गया है। पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे 126 कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों जो है लोकल होस्ट जो हमने बनाया था उसके अंदर कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स, यहाँ पे दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो ये जो रिकॉर्ड है इसको मैं एडिट करके मैं मेरा नाम दे देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड दोस्तों यहाँ पे 126 अपडेट किया सिंपली, और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अपडेट हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे एडमिन और धर्मेश करके आ गया है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड भी अपडेट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ हुई दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे हमने यूनिक का वैलिडेशन लगाया था, तो ये जो है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर डाल के देखते हैं कि वो काम कर रहा है कि नहीं। देखिए ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, तो यहाँ पे यूनिक का जो एरर है वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि लारावेल्स के अंदर मोंगोडीबी का सेटअप करके उसके अंदर क्रूड जो है दोस्तों कैसे किया जा सकता है, एडिट किया, क्रिएट किया, डिलीट किया, लिस्टिंग किया। तो दोस्तों वो कुछ ऐसे जो है यहाँ पे काम करेगा, तो आपको कुछ ऐसे जो है सेटअप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा क्रूड जो है दोस्तों वैलिडेशन के साथ मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, और दोस्तों यहाँ पे वन बाय वन जो है क्रिएट किया, रीड किया, अपडेट किया और डिलीट किया। तो सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे कुछ मेथड जो है वन बाय वन कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। तो दोस्तों ऐसे कुछ जो है आप मोंगोडीबी में पूरा क्रूड बना सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट से आप मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर लारावेल के साथ मोंगोडीबी यूज़ करके। कनेक्शन वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।